नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रूम में। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ टाइफाइड बुखार के बारे में। टाइफाइड बुखार की कंडीशन में हम किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों टाइफाइड बुखार, जिसे मियादी बुखार भी बोलते हैं, उस कंडीशन में हम कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन है महासेप प्लस, जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल या ब्लड इन्फेक्शन की कंडीशन में किया जाता है। दोस्तों उसकी मैन्युफैक्चर की बात करें तो मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है। प्राइस की बात करें तो 135 रुपये की इसमें MRP होती है, जो कि 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आपको मिल जाएगा। दूसरी मेडिसिन की बात करें जो कि रेनिडेडिन 150 mg की, आपको बेलटेक नाम से मार्केट में आपको 150 mg अवेलेबल हो जाएगी। या दोस्तों आपको 6 से 7 रुपए की MRP पे आपको मार्केट में मिल जाएगी। तीसरी मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों बायसलोन को पी फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, जो कि 11 रुपए की इस पर MRP होती है, जो कि 15 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। चौथी मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों सुमो को एल्कम फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है। बात करते हैं इसके प्राइस की तो 103 रुपए की इस पर MRP होती है, जो कि 15 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों बात करते हैं इन सभी मेडिसिन का टाइफाइड की कंडीशन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इन सभी मेडिसिन की इस्तेमाल कर की बात करें तो सुबह शाम एक एडल्ट की डोज की बात करें दोस्तों, जो कि एक एडल्ट की डोज होती है, सुबह शाम एक एक टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों टाइफाइड की कंडीशन में, जिसे मियादी बुखार बोलते हैं, उसकी कंडीशन में दोस्तों सुबह शाम सभी चारों टैबलेट्स में से एक एक टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों तो सुमो की बात करें तो सुमो जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है एक पेन किलर के रूप में और एंटीपायरेटिक के रूप में हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है। दोस्तों इन सभी जो मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, खाना खाने के बाद करना है। और बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट की, इन मेडिसिन के सभी इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो आपके इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपको वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, आपके पेट में गैस की शिकायत हो सकती है और आपके शरीर पर रेडनेस की शिकायत हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स आपको इन सारी मेडिसिन के इस्तेमाल करने से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इन किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल खुद से बिल्कुल ना करें, अपने डॉक्टर्स की कंसल्ट पर ही इन मेडिसिन का इस्तेमाल करें। बिना एडवाइस की मेडिसिन को आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, उसके बाद ही इन किसी मेडिसिन का आप टाइफाइड की कंडीशन में इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ दोस्तों आपको इनकी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।